गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 29 टीम्स ऑफ प्लेयर्स. ओके नाउ स्टार्ट दैट चैप्टर. सो आपका प्रीवियस टाइम में ये जो दिया हुआ है आपका बेटा मॉडल टेस्ट पेपर, ये हम लास्ट में करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज थिंग इज कि सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना, ठीक है. एंड टाइम बचेगा तो ये मैं दूंगी, करवाऊंगी, अदरवाइज नहीं करवाऊंगी तो नहीं आएगा पेपर में. ओके सो सबसे पहले हम सिलेबस कवर करेंगे एंड देन हमारे पास टाइम होता है तो हम इसको करेंगे. ओके तो हम 29 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अस टीम्स ऑफ प्लेयर्स मीन्स कौन कौन से गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं वो आपको बताना है. सो क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ टीम इन ईच ऑफ द गेम. जितने भी टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के गेम्स होते हैं जो ग्रुप्स में खेले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ प्लेयर होते हैं सो वो आपको बताना है कि किस गेम में कितने नंबर्स ऑफ प्लेयर होते हैं. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट इज पोलो. पोलो में अराउंड टोटल 4 प्लेयर्स होते हैं. हाउ मेनी प्लेयर्स इन पोलो गेम, 4. ओके ऐसे ही नेक्स्ट आप सभी को पता है क्रिकेट टीम में एक जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 11. नेक्स्ट टेबल टेनिस, 1 या फिर 2. सिंगल भी खेल सकते हैं एंड 2 के साथ भी खेल सकते हैं. ओके तो 1 या फिर मिनिमम 1 मैक्सिमम 2. ओके नेक्स्ट इज फोर्थ हॉकी. हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं. नेक्स्ट इज वाटर पोलो. वाटर पोलो में आपके 7 होते हैं. ओके सिक्स इज लॉन टेनिस. लॉन टेनिस में अगेन 1 और 2. नेक्स्ट इज फुटबॉल. फुटबॉल में भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर इज 11. नेटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर इज 7. वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर इज 6. ओके नेक्स्ट इज 10th कबड्डी. कबड्डी में एटलीस्ट 7 तो होने ही चाहिए, ठीक है, तो 7 क्या है नंबर ऑफ प्लेयर्स. 11 बास्केटबॉल में 5 नंबर ऑफ प्लेयर इज एंड 12 बैडमिंटन में 1 और 2, ठीक है, 2 तो होने ही चाहिए, कंपलसरी है. 13 इज बॉक्सिंग. बॉक्सिंग में 1, दोनों टीम में 1-1 होते हैं, सिंगल सिंगल लड़ते हैं. नेक्स्ट इज 14 बेसबॉल. बेसबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 9. सो ये आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी. सो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क में अपनी बुक में फिल करेंगे, नोटबुक में करेंगे एंड लर्न इट भी कर लेंगे साथ के साथ. ओके सो क्या करना है, टुडे होमवर्क इज योर, डू इन योर बुक एंड ऑल्सो नोटबुक एंड लर्न इट. ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.